मयूर ने 6 रन, अर्जुन एक बार बढ़िया स्कोर करते हुए 17 रन, 10 बॉल पे 17 रन, अंकित महलवार 8 रन। बेस्ट बैट्समैन थे इस इनिंग में अर्जुन और बेस्ट बॉलर थे आनंद नरवड़िया। केपीएल स्वर्गीय निर्मला देवी नारायण राव जी चौरिया, इनकी स्मृति में विनर प्राइज है 21,000, रनर अप प्राइज है 11,000 स्वर्गीय श्री अशोक कन्हैया लाल जी चौरिया इनकी स्मृति में, और स्वर्गीय शोभना शंभुदयाल जी ताम्रकार इनके स्मृति में सभी विजेता टीम और प्लेयर्स को ट्रॉफी दी जाएगी। स्वर्गीय इंदल सिंह जी कन्हैयालाल चौरिया इनकी स्मृति में बेस्ट कीपर को 3,100 का कैश प्राइज है। श्री देवेंद्र गोपाल साहु जी बंबरवाड़ की ओर से बेस्ट फील्डर को 3,100 का कैश प्राइज है। श्रीमती संध्या आनंद जी ताम्रकार की ओर से बेस्ट बैट्समैन को 3,100 का प्राइज है। श्री आनंद लक्ष्मण प्रसाद जी ताम्रकार की ओर से बेस्ट बॉलर को 3,100 का कैश प्राइज है। स्वर्गीय श्री विनोद जयसिंह जी चौरिया इनकी स्मृति में मैन ऑफ द सीरीज को 5,100 का प्राइज है। स्वर्गीय श्री मोहन लालचंद जी चौरिया इनकी स्मृति में मैन ऑफ द मैचेस, सातों मैच के मैन ऑफ द मैचेस सबको 1,100 रुपए का कैश प्राइज है। शोभना समुदयाल जी ताम्रकार इनकी स्मृति में मैक्सिमम सिक्सेस 3,100 का कैश प्राइज। गौरी शंकर कन्हैयालाल जी चौरिया इनकी ओर से मैक्सिमम 4 को 3,100 का प्राइज। ब्रेकफास्ट लंच फ्रूट जूस और पानी के संयोजक है श्रीमती प्रेमलता गिरजा शंकर जी ब्राह्मणवार, और इस केपीएल 2022 में एक नई ट्रॉफी का इजाफा हुआ है इमर्जिंग प्लेयर 2022, और इसके स्पॉन्सर है सेठिया कार्स और सुदेश सेठिया जी के तरफ से 1,001 रुपए का कैश प्राइज। हर मैच में टॉस के लिए चांदी का सिक्का प्रदान किया जाता है और ये प्रदान किया जाता है श्रीमती केसरबाई जसवंत सिंह जी खमेले की ओर से, और जो विनर कैप्टन है उसको वो चांदी का सिक्का भेंट स्वरूप प्रदान किया जाता है। शास्त्र बाहु रॉयल्स के एक प्लेयर कृपया इधर आ जाए। संगीता ईश्वर सिंह जी खुंटिया और राजेंद्र जागोबा जी चौरिया इनकी ओर से यूट्यूब लाइव मैचों का प्रसारण किया जा रहा है ताकि सब इस केपीएल का मैच का उत्साह पूर्वक घर पे भी बैठ के आप इसको रोमांच महसूस कर सकते हैं, और इसके लिए आप देखकर हमें उत्साहित कर सकते हैं, हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं, हमारे प्लेयर्स का उत्साह बढ़ा सकते हैं। वैभव पैगवार आक्रमक की फील्ड सेटिंग करते हुए काफी डेडिकेटेड प्लेयर है। वैभव पैगवार बॉलिंग करते हुए सामना करेंगे आयुष सेठिया। वैभव रमन पैगवार बॉलिंग करते हुए आयुष सेठिया स्ट्राइक पर, बहुत जोरदार रबेल, एम्पायर ने नकार दिया और मम्मी जी का आशीर्वाद लेके आए हैं। रागिनी जी सेठिया यहाँ पर पधार चुकी है। बहुत बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं वैभव रमन पैगवार। वैभव पैगवार ओवर की तीसरी गेंद, सामना कर रहे आयुष, इस बार भी मिस कर दिया। कोई चांस लेने नहीं दे रहे हैं वैभव पैगवार, बिल्कुल निशाने पे बॉल मार रहे हैं। और हल्का सा टच और एक रन चुरा लिया। लॉन्ग ऑन की ओर एक रन, शास्त्रबाहु रायल का खाता खुलते हुए साथ में आयुष सेठिया का खाता खुलते हुए एक रन से। वैभव पैगवार बॉलिंग करते हुए सामना करेंगे रितेश ताम्रकार और रिड्स। वैभव पैगवार बॉलिंग करते हुए सामना कर रहे रितेश ताम्रकार, हल्का सा टच, कोई रन नहीं।
रन लेने का मौका नहीं देते हैं वैभव रमन पैगवार, बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं और खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित है वो। और शरीर से दूर खेलने का प्रयास रितेश ताम्रकार का, पॉइंट पर एक रन। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की दो रन पर शून्य विकेट।
स्ट्राइक पर। सेठ है बॉलिंग करते हुए सामना कर रहे अनुज ताम्रकार, ये उठा दिया और ये चार रन जाएंगे, जाएंगे खत्ता, मैच खत्म, सिक्स। धोनी की तरह समाप्त करते हुए इनिंग को, फाइन बहुत बड़ा योगदान दिया है अनुज ताम्रकार ने अपने टीम के लिए, बहुत बढ़िया। प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर फट रहा था लेकिन प्रेशर को पूरा ठंडा कर दिया अनुज ताम्रकार ने, और बहुत खुश होते हुए वैभव रमन पैगवार, आक्रामक विजयी, आक्रामक विजयी। अगली टीम के कैप्टन कृपया मैदान पर आ जाए टॉस के लिए।